Hello students, welcome back to our VTA class. We are continuing our chapter 3D dimension. In last class, in previous class, हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि कोई 3D structure होता है, उसकी जो sides हैं, है ना, sides हैं, length है, उसकी चौड़ाई है, width है, उसकी गहराई है, depth है. तो एक और चीज कि ये जो एक फिगर बन गया आपके सामने, ये 2D डायमेंशनल हो गया. ये 2D डायमेंशनल हो गया. सपोज मैं इसका एक और बात बताऊं कि ये आपको एक कोई फिगर है, ये नजर आ रहा है, ये 2D डायमेंशन. इसमें आपको आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा. इसके डेप्थ कितनी है, ये कैसा है, वेथ कितनी है, लेंथ क्या है. अगर सपोज मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, मैं इसको कुछ इस प्रकार से बना दूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला फेस जो है फ्रंट फेस है, ये वाला जो फेस है ये बैक फेस है, ये इसकी एज है, ये इसके वर्टेक्स है, ये साइड से लेटरल फेस है, ये सामने वाला फेस है ना. ये सारी चीजें हमको 3D में क्लियर समझ में आ जाती है. तो 3D में हमने कुछ चीजें एक देखी थी कि प्रिज्म और पिरामिड. प्रिज्म में क्या होगा, प्रिज्म में एक ये फिगर एक पर, आपको एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई कोन नहीं है और एक फेस इसकी द शेप ऑफ द बेस टेल द नेम ऑफ प्रिज्म. द शेप ऑफ द बेस, अब मान लो ये कोई प्रिज्म है, इट इज एग्जांपल ऑफ प्रिज्म. ये इसका एक सरफेस बन रहा है, एक बेस बन रहा है, ठीक है, एक बेस बन रहा है और थ्री लेटरल फेस, एटलीस्ट इसके एटलीस्ट इसमें थ्री लेटरल फेस इसके हमको नजर आ जाते हैं. थ्री लेटरल फेस, जैसे मान लीजिए कि ये है तो एक फेस ये हो जाएगा, ठीक है, लेटरल फेस में. फिर एक इसके ये अगर ये ऐसा कुछ क्यूब रखा हुआ है, एक लेटरल फेस ये हो गया, एक इधर हो जाएगा, बैक साइड में हो जाएगा इसके लेटरल फेस, है ना, और एक ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक. तो ये आप इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं 173 ऑन पेज नंबर 173 फ्रॉम योर बुक. अब इसी में एक और चीज है, पिरामिड. पिरामिड अगर हम पिरामिड में हम देखें कि ये इसको हम इसको हम सपोज ये कोई स्क्वायर है, ये हो गया, और उसके बाद इसकी फिगर हम ऐसा बनाए कि एक और कुछ इस प्रकार से ये आपको इट इज बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर बुक डायग्राम स्क्वायर पिरामिड, ठीक है. ये सब बेस है, ये यहाँ पे टिका हुआ है, ये बेस पे टिका हुआ है और ये बेस है, ये स्क्वायर बेस है और यहाँ पे टिका हुआ है, यहाँ पर पिरामिड ऊपर आ गया, ठीक. तो एक आकृति पिरामिड की आपको मालूम है सभी को, एटलीस्ट थ्री फेसेस दैट आर ट्राइंगल हैड ओनली वन बेस, इसको आप समझिएगा. The base can be shaped like any closed figure with a with three or more side. Three या more side, इसके at least three side, four side, इसके size ज़्यादा हो सकती है. The shape of the base tells the name of pyramid. The shape of the base, जो उसका pyramid का जो shape होगा, जैसे ये हो गया prism, ये हो गया pyramid. इसके shape से हमको समझ में आ जाता है pyramid का. ठीक इसी प्रकार से हमारे पास तीन चीज़ और आती है इसमें कि कौन कौन इसका बेस कैसा हो गया, सर्कल हो गया, जोकर की टोपी हमने देखी होगी, है ना, मेहंदी का कौन ऐसा कौन, आइसक्रीम का कौन, है ना, ये उस टाइप का फिगर हो गया. कौन इसका बेस कैसा होगा, सर्कल होगा, इसमें कोई वर्टेक्स कोई एजेस कुछ नहीं होगा. फिर कौन के बाद सिलेंडर, सिलेंडर पाइप है, गोल है ना, प्लास्टिक का पाइप हम देखते हैं, वो एक सिलेंडर हो गया, एक उसका एक एग्जांपल हो गया. इसमें क्या होगा, टू बेस होते हैं, एक सिलेंडर को हम कैसे रख सकते हैं, ये इसका बेस ये हो गया, ये सी हो गया, ठीक है. और इसके बेस कैसे होंगे, सर्कल होंगे. बेस कैसे होंगे, अगर हम सिलेंडर बोल रहे हैं, अगर
इफ वी आर टेलिंग सिलेंडर, अगर हम सिलेंडर बोल रहे हैं तो बेस क्या होगा, सर्कल हो जाएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। बेस कैसा हो गया, सिलेंडर हो गया, किसमें सर्कल हो गया, किसमें सिलेंडर कर। फिर स्पेयर, स्पेयर मीन्स राउंड इन शेप, पूरा गोल, स्पेयर एक बॉल, अर्थ या साइकिल में हम डालते हैं ना, हम उसको बोलते हैं ना छर्रे, बॉल छोटी छोटी बॉल होती है वो, आयरन बॉल उसको बोलते हैं। स्पेयर, इसमें क्या होगा, कोई फेस नहीं होगा, कोई एजेस नहीं होगी, कोई वर्टेक्स नहीं होगा, और ये सभी जगह से सेम दिखेगा, सेंटर से, इसके सेंटर से ऑल ओवर सेम, सभी जगह से ये सेम रहेगा। ठीक, अब इसमें एक और चीज है छोटी सी कि नेट, नेट 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 ऑफ कोन, इट इज इन योर बुक ऑन पेज नंबर 175, नेट्स ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर। द नेट इज अ टू डायमेंशनल फिगर एंड यूज टू फाइंड एरिया ऑफ द थ्री डायमेंशनल फिगर। अब सपोज हम इसको हम छोटा सा समझ लें कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, एक फिगर बनाया, इट इज ए क्यूब, ये कोई बॉक्स है, सपोज एक केक जिसमें हम केक लाते हैं, ये सब बॉक्स, अगर मैं इसको खोलूँगा, इसका एक लिंक बनूंगा, तो मुझे सबसे पहले इसका फ्रंट, फिर उसकी लेफ्ट साइड वाला हिस्सा, फिर उसकी राइट साइड वाला हिस्सा, नहीं सबसे पहले सामने फ्रंट, फ्रंट से मैं गया लेफ्ट, लेफ्ट से गया बैक, फिर गया राइट, ये चार पार्ट मैंने खोल दिया, एंड बॉक्स होगा उसको ऐसे 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 करके खोल दिया। अब इसके ये हो गया ऊपर और ये हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी नेट हो गया, नेट डिजाइन हो गया, इस क्यूब की नेट डिजाइन हो गया। ठीक, तो एक ये बात हो गई। अब इसी प्रकार से हम आपको यहाँ पे देंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म और ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म और ट्रायंगुलर प्रिज्म का डायग्राम, इट इज इन योर बुक, यू हैव टू ड्रॉ एंड यू हैव टू मेक एन प्रैक्टिकल एट योर होम, आप उसको घर पर बैठकर इसका एक प्रैक्टिकल लैब एक्टिविटी आप इसकी बनाएंगे, आपको घर पर इसका डायग्राम बनाना है ऑन योर टेक्स्ट बुक, एंड यू हैव टू नोटेड ऑल डेफिनेशंस इन योर नोटबुक, आपको सारी डेफिनेशन जो है वो नोटबुक में इसमें से देख कर लिखना है, और जिस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम आपको बनाना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वी कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।